ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बिहार के साथियों ने मेरे को आमंत्रित किया है और इसलिए AISF बिहार की इस साइट पे, इस फेसबुक पे मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि ये तो स्टूडेंट फेडरेशन तो मेरा पहला प्यार है, क्योंकि मैं अपने स्कूली जीवन से सक्रियता में आई और यूनिवर्सिटी में आके उस सक्रियता को आगे बढ़ाया और फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का झंडा थामा तो उसको कभी छोड़ा नहीं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मेरे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां मैं अपने केवल शिक्षा के क्षेत्र को ही समझने में या उसकी समस्याओं को समझने ही में ही अपने को पारंगत करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसी छात्र जीवन से मेरा आकर्षण मजदूरों की तरफ, किसानों की तरफ बढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए हमारे जो कर्मचारी यूनियन थी वो AITUC से एफिलिएटेड थी, तो उनके हर संघर्ष में विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित होना, शिक्षकों के संघर्ष में सम्मिलित होना, वो भी ट्रेनिंग ग्राउंड था। और हमारी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द बहुत सी टेक्सटाइल मिल्स भी थी और जब टेक्सटाइल मिल के मजदूर हड़ताल पे जाते थे तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके उनकी हड़ताल के समर्थन में निकलते थे। और उन दिनों तीन तीन शिफ्ट होती थी, सुबह 5 बजे शिफ्ट शुरू हो रही है, फिर शाम को शुरू हो रही है, फिर मिडनाइट शुरू हो रही है, इस तरीके से शिफ्ट्स होती थी। तो हम लोगों को बहुत ये रोमांटिक लगता था, हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाएं, हम लेट नाइट वाली शिफ्ट में जाएं, क्योंकि दिन में तो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उन टेक्सटाइल मजदूरों के साथ, फिर DTC एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ, इसी के साथ साथ छात्र जीवन में ही ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ आकर्षण हुआ और आज मैं ट्रेड यूनियन आंदोलन में हूँ, उसका कारभार संभाल रही हूँ। लेकिन मैं अपने फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड को कभी नहीं भूलती हूँ और वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है। और इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरा सलाम है, मेरी नमस्कार भी है, मेरी सत श्री अकाल भी है, आदाब भी है आप सबको। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ बातचीत आज कर पा रही हूँ। आपने अभी 8 तारीख है आज, और आप लोगों ने सुना होगा कि 2, 3 और 4 जुलाई को कोयला के मजदूरों की हड़ताल थी। नेशनल मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, लेकिन जहाँ जहाँ माइंस हैं और जिन स्टेट्स में माइंस हैं, कोयले की खदानें हैं, वहाँ इसका बहुत अच्छा कवरेज लोकल प्रेस में मिला। ये 2, 3, 4 जुलाई को हड़ताल क्यों की श्रमिकों ने और उनकी यूनियनों ने, और 100% स्ट्राइक हुई। वो इसलिए हुई कि हमारी जो कोयला खदानें हैं, सरकार उनको निजी हाथों में देना चाह रही है, उनको कमर्शलाइज करना चाहते हैं, और ये हमारा पब्लिक सेक्टर है। और हमारे देश में कानून बना था 50 के दशक में कोयला के क्षेत्र में काम करने के लिए, लेकिन बहुत सी कोयला की जो खदानें थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, और 1973 तक उनका रवैया ये था कि जो प्राइवेट मालिक थे वो सिर्फ उससे पैसा कमाते थे, उसका नेशनल डेवलपमेंट के अंदर कोई विशेष योगदान था ही नहीं। और इसलिए 1973 में यूनियंस की लड़ाई के चलते हुए उसको राष्ट्रीयकृत किया गया, वो नेशनल एसेट बना, वो पब्लिक सेक्टर बना, और उसके बाद से हमारे बिजली के क्षेत्र को बहुत ग्रोथ मिली, हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले, पावर और एनर्जी के साथ साथ हमारी उद्योगीकरण की प्रक्रिया में हमें बहुत मदद मिली। तो कोयला क्षेत्र को ये आज की सरकार निजीकरण करना चाहती है, उसके विरोध में हमारी यूनियंस जो हैं कमर्शियल माइनिंग के नारे के विरोध में मैदान में उतरे थे। श्रम कानूनों के विरुद्ध तो सभी यूनियंस हमारी लड़ी रही हैं, लेकिन ये विशेष हड़ताल इस बात को केंद्रित करके थी। 3 जुलाई को पूरे देश के अंदर ट्रेड यूनियंस की तरफ से प्रतिरोध था, नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। उस नेशन वाइड प्रोटेस्ट में जहां हमारे श्रम कानूनों पे इस सरकार ने हमला बोला हुआ है उसके विरुद्ध तो था ही, उसमें हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत सी मांगे थी,
उसमें उसके साथ साथ हम ये कह रहे थे कि हर गरीब गुरबा के को कम से कम जो जिसके स्वतः रोजगार था या दिहाड़ीदार था या खेत मजदूर था, इन सबको 7,500 रुपये सरकार कम से कम 6-7 महीने दे। उनके पास कैश नहीं है, हालत बहुत बुरी है। और फिर हमने कहा जो जे वेज के साथ आमदनी के साथ रिलेटेड वर्क फोर्स थी उसको मिलना चाहिए, उसका लॉकडाउन का वेज मिलना चाहिए। और अगर मालिक नहीं दे पा रहे हैं छोटे उद्योगों के, तो सरकार को उसकी जगह पे देना चाहिए। तो ये मांग भी थी। और अब नौकरियों से निकाला जा रहा है, सरकार ने कहा था किसी को जॉब से नहीं हटाया जाएगा, लॉकडाउन पीरियड में जो जॉब में थे वो रहेंगे, पर उनको हटाया जा रहा है, वो भी मुद्दा था। इन सारे मुद्दों में फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे नेशनल असेट्स क्यों बेच रहे हो, हमारे पब्लिक सेक्टर क्यों बेच रहे हो, हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को आप दुनिया के और देश के बड़े पूंजीपतियों के हवाले क्यों कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। वो चाहे बैंक्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, कोयल का हो, तेल का हो, या पोस्टल विभाग हो हमारे जिनको कमज़ोर किया जा रहा है, या हमारे बॉक्साइट का एरिया हो, हमारा कॉपर का एरिया हो, हमारी बेसिक कोर इंडस्ट्रीज और जो हैं इसके अंदर वो हो, इलेक्ट्रिसिटी का अदारा हो, इन सब सिलसिले में इंक्लूडिंग अवर रेलवेज एंड अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रोड की है, इन सब को आप जो नेशनल सेक्टर में हैं सार्वजनिक उपक्रम है उनका आप निजीकरण क्यों कर रहे हो। और उसी के साथ साथ चाहे वो फील्ड एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, और चाहे सर्विसेज सेक्टर में पानी के रखरखाव और पानी को जनता को देने का प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों के ऊपर ये 3 जुलाई का पूरे देश के अंदर हमारा प्रोटेस्ट डे था, वो हमने मनाया। और 1 लाख जगहों के ऊपर पूरे देश में ये प्रदर्शन हो पाए। 22 मई को हमने प्रोटेस्ट किया था सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने मिलके, लेकिन ये 3 जुलाई का उससे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस लॉकडाउन के पीरियड में 22 मई में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, तब उतने खुल करके नहीं हो पाए थे प्रदर्शन, लेकिन अब 3 जुलाई के पीरियड में हम लोगों ने फैसला लिया मैदान में उतरेंगे, सड़कों पे तो आना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी जगहों पे मोटरसाइकिल जुलूस, साइकिल जुलूस, प्रोसेशंस निकाले गए, पब्लिक मीटिंग्स की गई, पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, केसेस भी कई जगह के ऊपर ठोके गए हैं। और हमारे जमशेदपुर में तो जो नेता लोग थे 300 लोगों पे केस बनाया, और जो नेता थे उनमें से 3 को पकड़ के 1 5-स्टार होटल में डाल दिया पुलिस ने, और कहा आप क्वारंटाइन पे हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, और इस होटल का खर्चा भी आप देंगे। ये सब कुछ हुआ, तो ये 3 जुलाई को हुआ, तो ये ट्रेड यूनियंस की तरफ से प्रतिरोध था। और इसमें मैं आपसे इसीलिए आज मैं जो मेरे को विषय दिया गया है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रश्न, और उसके ऊपर आप सुन रहे हो कि मोदी की सरकार कह रही है हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो ये कंट्रडिक्शन है कि आप देश के पब्लिक सेक्टर को बेचेंगे, उनको कमज़ोर करेंगे, देश के बड़े पूंजीपति और विदेशी कंपनियों के हवाले करेंगे, वित्त पूंजी आएगी और हमारे इंडिजिनस बिजनेस को वो कब्जा कर लेगी, तो ये तो आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं है। तो आत्मनिर्भरता का तो मुखौटा है, मखौल है उस शब्द का, और असल में इस देश के जो पूंजी है, हमारी प्राकृतिक संपदा है, या उस प्राकृतिक संपदा के आधार के ऊपर जो देश में निर्मित किया गया है, जो हमारा है, हमारा इंडिजिनस ग्रोथ है, या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हमारी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है इस देश की, वो सब जनता की है। सरकार को तो उसका सिर्फ रखरखाव करना है, उसके आधार पे विकास करना है, लेकिन सरकार उसको बेचने के लिए निकली है। इसलिए हमारा ये नारा था कि तुम देश को बेचने के लिए निकले हो, और हम देश को बेचने नहीं देंगे, देश को बचाने का प्रश्न है। ये केवल उन सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो रोजगार कर रहे हैं लोग, उनकी नौकरियों को बचाने का प्रश्न नहीं है। आज लड़ाई केवल ये नहीं लड़ी जा रही कि उनकी पगार का क्वेश्चन है या उनकी पगार को बढ़ाने का है, उसके लिए बहुत से सिस्टम बने हुए हैं, बाईपार्टिज्म है, ट्राईपार्टिज्म है, जिसको भी सरकार बहुत हद तक जो है तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर यूनियंस लड़ करके अपने उन मसलों के लिए आगे बढ़ती है।
पर आज जो लड़ाई है वो अपने सार्वजनिक उपक्रमों को और अपने प्राकृतिक साधन जो है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में उनको बचाने की लड़ाई है, जिसको लेकर के ट्रेड यूनियंस इस देश में लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहूँगी कि सरकार आत्मनिर्भरता का मुखौटा पहने है और हिंदुस्तान की जो यूनियंस हैं वो असल में आत्मनिर्भर भारत जो थोड़ा बहुत बनाया गया था उसको सरकार ख़त्म करना चाहती हैं, तो वो उसको बचाने की लड़ाई में है। तो चुन लें हमारी युवा पीढ़ी के देशभक्ति की लड़ाई कौन लड़ रहा है, वो देशभक्ति कर रहे हैं जो देश को बेचने के रास्ते पे निकले हैं, या वो देशभक्ति का प्रमाण दे रहे हैं जो आज सड़कों पे उतर करके केसेस की परवाह किए बिना कोविड महामारी के दौर में भी, चूंकि सरकार ने ये समय चुना है तेजी से अपनी नीतियों को जो वो 5-6 साल से बढ़ा रहे थे उनको लागू करने का, तो वो ये सोचते हैं कि कोई लड़ेगा नहीं, कोई मैदान में नहीं आएगा, कोई सड़कों पे नहीं आएगा। तो हम उनके इस वहम को उतारते हुए 3 जुलाई का प्रदर्शन किए। आज 8 जुलाई है, तो आपके साथ जुड़ने से पहले हम ट्रेड यूनियंस की मीटिंग हुई सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, और हम लोगों ने निर्णय लिया है हम अपने आंदोलनों को तेज करेंगे। और उसमें हमने 9 अगस्त जो क्विट इंडिया डे आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है, जब अंग्रेजों ने जो हमारी प्राकृतिक संपदा को लूटा था, अंग्रेजों ने जो यहाँ से धन दौलत अपने मुल्क ले जा करके हमारे देश को पावरिश किया था, गरीब किया था, और हमारे देश की गरीबी और मुफलिसी को, अज्ञानता को और बढ़ा दिया था, उस अंग्रेजी राज से हम लोगों ने मुक्ति पाई थी। तो उस पूरे संघर्ष जो 150 बरस से ज़्यादा चले थे, लगभग 200 बरस चले थे, उस संघर्ष का बिल्कुल जब आखिरी धक्का देने वाली बात थी, तो तब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये 9 अगस्त उसकी याद दिलाता है। तो आज हम लोगों ने निर्णय लिया, उस 9 अगस्त को अंग्रेजों को क्विट इंडिया कहा था, तो उस 9 अगस्त को अपने देश को बचाने की लड़ाई की का हम उस दिन भी, उस दिवस को ट्रेड यूनियंस की तरफ से मनाएंगे। तो ये आज हमने निर्णय लिया। तो मैं इस विषय पर बात करते हुए आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, हमारी तो ले दे के केवल 13 डिफेंस की फैक्ट्रियां थी। आज़ाद हिंदुस्तान में डिफेंस सेक्टर जब राष्ट्रीय नेतृत्व यानी सरकार के खुद के संज्ञान में लेकर के जब इस डिफेंस सेक्टर को बढ़ाया गया, तो आज हमारी 49 उसके अंदर इंडस्ट्री हुई, उससे भी ज़्यादा हैं बहुत सारी यूनिट्स को अगर मिला देते हैं। मेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, जो 49 थी अब 41 है। तो डिफेंस सेक्टर है, जिस डिफेंस सेक्टर को भी ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं, अपना चौड़ा चौड़ा सीना भी दिखाते हैं, अपनी पीठ भी तपतपाते हैं, और इनके जो भक्त लोग हैं वो सड़कों पे भी उतर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, और उस राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की उस जिंगोइज्म के जरिए से वोटें भी बटोरते हैं। और आजकल तो बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो ये जिंगोइज्म और बड़ा हुआ है आजकल। पहले इंडो पाक चलता था, अब इंडो चाइना चलता है, पर अब इंडो चाइना इंडो पाक दोनों चलाया जाएगा, ये सब कुछ भी चलेगा। लेकिन उस डिफेंस सेक्टर को, उसमें विदेशी पूंजी लाना, जो इन्होंने अभी अभी 49% से बढ़ा के 74% किया, 100% पूंजी लाना चाहते हैं। कोयला क्षेत्र में भी 100% विदेशी पूंजी लाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में भी लाना चाहते हैं। और इसी कोविड-19 के दौर के अंदर इन्होंने 49% से 74% डिक्लेयर भी कर दिया, और हमारी यूनियंस ने वोट लिया वर्कर्स से कि बताइए ये कर रहे हैं, आप लोग पहले हड़ताल कर चुके हो, सरकार को रोक चुके हो, अब ये फिर कोविड-19 के बहाने में कर रहे हैं, तो इसका क्या करना है। तो 99% एम्प्लॉयज़ ने कहा हड़ताल पर जाएंगे, और वो भी हड़ताल का रास्ता लेंगे, डिफेंस सेक्टर को बचाने का प्रश्न है। रेलवेज के अंदर आप 4 दिन से खबरें पढ़ रहे हो, 3 जुलाई को हमारा पूरे राष्ट्र के अंदर प्रतिरोध होना था, 2 जुलाई को अखबार भरे पड़े थे कि हिंदुस्तान में 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, 109 रूट प्राइवेट कर दिए जाएंगे। लेकिन उन प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए गार्ड्स कौन देगा? हमारी सरकार देगी, हमारा पब्लिक सेक्टर देगा, गवर्नमेंट सेक्टर देगा, रेलवेज देंगे, हमारे गार्ड्स होंगे, हमारे इंजीनियर्स होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और हमारा वो टेक्निकल हैंडलिंग का सारा स्टाफ भी होगा। लेकिन पैसा कौन कमाएगा?
निजी क्षेत्र वाले, अब अदानीज और अंबानीज सब लगे हुए हैं कि कौन कौन बिडिंग करेंगे उन प्राइवेट ट्रेन्स को चलाने के लिए। और हमारे देश में तो हमारा पब्लिक सेक्टर है जो ट्रेन के डिब्बे बनाता है, हमारा पब्लिक सेक्टर है जो इंजन बनाता है, हमारा पब्लिक सेक्टर है जो ट्रैक्स बिछाता है, लेकिन जनता के पैसे से बने हुए इस पब्लिक सेक्टर के ऊपर निजी क्षेत्र आके केवल मुनाफा कमाने के लिए आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रोवाइड करेगा, हमारी जनता ने ये पैसा दिया। तो ये जो पब्लिक एक्सपेंसेस से पब्लिक सेक्टर्स बने हैं उसके अंदर अभी भी जो आम जनमानस के लिए ट्रेनें हैं उनकी सुविधाएं अच्छी से है नहीं। बहुत सारे तो जो क्रॉसिंग्स हैं वो भी अभी उनके ऊपर जो लगे होने चाहिए बैरियर्स वो भी नहीं लगे हुए हैं, और ऑर्डिनरी जो ट्रेन्स हैं उनकी तो पानी की बुरी हालत है, उसमें शौच ठीक से नहीं होते, उसमें चूहे घूम रहे होते हैं, उन ट्रेनों को बेहतर करने का क्वेश्चन है। तो लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट देने की तरफ सरकार का ध्यान है तो कॉमन मैन की तरफ तो ध्यान है नहीं। बुलेट ट्रेन का इनको प्रोजेक्ट चाहिए था और वो भी तो हिंदुस्तानियों के ऊपर कर्जा डाल के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को जो 60,000 करोड़ से शुरू किया, अल्टीमेटली 90,000 करोड़ की बात आई और अब 1,00,000 करोड़ से ऊपर का सो कॉल्ड प्रोजेक्ट है, और वो मुफ्ती में लगाने के लिए आएंगे? नहीं जनाब, वो कर्जा उतारना होगा हिंदुस्तान ने। लेकिन क्या उस बुलेट ट्रेन हमारी प्रायोरिटी हो सकती है हिंदुस्तान की? वो हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो किराया होगा वो हवाई जहाज के किराए के बराबर होगा। हम कह रहे हैं कॉमन मैन के लिए रेलवेज की सर्विसेज को बेटर करने की ज़रूरत है। वो बिजनेस के लिए भी ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए भी ठीक है, मोबिलिटी के लिए भी ठीक है, और हमारे जो काम करने के लिए जाने वाले लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए भी ठीक है, इवन टूरिज्म के लिए भी ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी ग्रो करती है, उस सब की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्न के ऊपर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूनियंस ने लगातार आंदोलन करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में चेंजेस का विरोध किया। अब इस कोविड 19 के इस दौर के अंदर अचानक इन्होंने फैसला किया कि ये तो उस एक्ट में चेंज करेंगे। हमारी यूनियंस ने 1 जून को पूरे देश के अंदर विरोध दिवस मनाया और अब वो उस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। ये हमें समझना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब केवल वो नहीं है कि हम घर में बल्ब जला लेते हैं, पावर से हमारे उद्योग चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे एग्रेरियन सेक्टर के लिए जरूरी है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है, और हमारे जितने भी हमारे संस्थान और इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्पेस साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसा मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है, कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का रोल नहीं है? लेकिन अगर वो केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है तो हमारी इन सब जगहों पे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, और जहाँ विशेष करके जो BPL के लोग हैं, जो SC ST तबके हैं, उन एरियाज में उसका बेनिफिट अगर पहुंचाना हो तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर ही दे पाएगा, वो पब्लिक सेक्टर ही दे पाएगा। और इसलिए अगर हमारे सरकारी स्कूलों में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बिजली का बहुत इस्तेमाल की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, इंटरनेट की बात चलती है, उस सबके लिए भी पावर की ज़रूरत होती है, तो उसके वास्ते भी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट सेक्टर में रहना जरूरी है, उसका मेजर पोर्शन। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रोल हमारे हॉस्पिटल सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत ज़रूरी है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली का कर्मचारी कोई अपनी पगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कोई बात हो रही है, उसकी नौकरी की सुरक्षा का कोई प्रश्न हो रहा है, ये सवाल नहीं है। पावर के बिना आप नेशन की प्रोग्रेस सोच ही कैसे सकते हैं, उसके डेवलपमेंट सोच ही कैसे सकते हैं, कौन सा सेक्टर है बिना पावर के रह सकता है? और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका जब हमारी पावर सेक्टर की यूनियंस लड़ाई के मैदान में आते हैं। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है वो है पब्लिक एजुकेशन, पर हमारा जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उसको नाम दे रखा है पब्लिक एजुकेशन। तो इस पे मत जाइए, मैं पब्लिक एजुकेशन मींस गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ। उस पब्लिक एजुकेशन के अंदर हमारी स्पेंडिंग लगातार हिंदुस्तान में कम होती चली गई है और इस वक्त 6% कोठारी कमीशन तो कह रहे थी 10% करो, ये 70 के दशक में उन्होंने कहा था बैकलॉग को पूरा करना है। हम कह रहे हैं कि 10% से भी अब ज़्यादा चाहिए, लेकिन मिनिमम 6% तो करो आप, ताकि आप काफ़ी हद तक उस गवर्नमेंट सेक्टर की एजुकेशन को, स्कूल की, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन की रक्षा कर सकें। लेकिन सरकार का रास्ता क्या है? यहाँ भी सरकार, आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी जो जुड़े हैं या दूसरे युवा साथी जो जुड़े हैं, आपके हमदर्द जुड़े हैं या नागरिक लोग इस वक्त मेरे साथ बातचीत में जुड़े हैं, तो शिक्षा के बिना किसी सोसाइटी के आगे बढ़ने को हम कैसे सोच सकते हैं? शिक्षा में इन्वेस्टमेंट भविष्य में इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर हम निवेश करते हैं तो हम उस परिवार के जिंदगी को बेहतर करने के ही निवेश के लिए नहीं कर रहे होते हैं, उसमें राष्ट्र निर्माण भी हो रहा होता है। शिक्षा और फिर स्किलिंग, उसके जरिए से आप नई पीढ़ियां तैयार करते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस में हिस्सा लेती हैं। लेकिन उस शिक्षा को भी मारने की कोशिश की जा रही है, निजीकरण के हाथों सौंपने की कोशिश की जा रही है। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आप देख लीजिए, जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है यानी गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था कोविड-19 को हैंडल करने के लिए, और गवर्नमेंट ने 4 महीने गंवा दिए दिसंबर से लेकर के मार्च तक, जब ये कोविड महामारी का दुनिया के अंदर जिक्र होना शुरू हुआ, हमारी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो अंधविश्वासियों को अंधविश्वास बढ़ाने देते रही, जो मर्जी करने देते रही, और हिंदुस्तान से सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी एक्सपोर्ट होने देती रही, जिसमें वेंटिलेटर्स भी एक्सपोर्ट हो रहे थे। अभी फिर आज अखबार में खबर है कि एसेंशियल कमोडिटी से मास्क वगैरह को सबको बाहर कर दिया है। अब तो बड़े हो गए हैं जी, ये सब चीज़ों की अब कोई वो आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हो लोगों के पास मास्क नहीं है, जिस गरीब के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, वो मास्क खरीदने के लिए पैसे निकालेगा क्या? सरकार उनको मास्क दे रही है? आप कह रहे हो सरप्लस बन गए हैं, तो क्या आप बांट रहे हो उनको? आप नहीं कर रहे हो। इसलिए स्वास्थ्य की हमारी सेवाओं का क्या हाल है, एक्सपोज हो गया देश। हम कब से बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था दूसरा एरिया है जो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जहाँ पर इसका सार्वजनिक क्षेत्र में होना, पब्लिक सेक्टर में होना निहायत जरूरी है, इसमें इन्वेस्टमेंट होना निहायत जरूरी है। आज हालत क्या हो गई कि जो किडनी का पेशेंट है, जो कैंसर का पेशेंट है, जो टीबी का पेशेंट है, जो लीवर का पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, दूसरी नॉर्मल बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल्स में दाखिले नहीं मिले, ओपीडीज में नहीं जा पाए कई महीने, क्योंकि सब जगह पे कह दिया गया केवल कोविड पेशेंट्स आएंगे। तो एक नॉर्मल पेशेंट की भी दुर्गत हुई, और कोविड-19 के जो पीड़ित लोग हैं, अभी तक 5 महीने बीत जाने के बाद स्थिति क्या है? आप पैसे की थैलियां लेके निकलिए तो भी आपको अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा। आप पुलिस ऑफिसर हैं कि आप कोई आईएएस हैं कि आईपीएस हैं कि आप नर्स हैं कि टेक्निकल स्टाफ हैं, आप कौन हैं, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो कॉमन मैन कहाँ जाएगा? हमारा गरीब गुरबा कहाँ जाएगा? हमारा छोटा मंझला किसान कहाँ जाएगा? हमारा खेतीहर मजदूर कहाँ जाएगा? इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करें, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। ये शिक्षा के बारे में भी मैं साफ और स्पष्ट कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं चलें, ना ही मैं ये कह रही हूँ स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए। मैं ये आर्ग्यू कर रही हूँ कि जिस देश के अंदर अभी भी 40 करोड़ लोग किसी श्रम कानून से बाहर हों और न्यूनतम वेतन भी उनको हासिल नहीं हो,
घर के अंदर 3 टाइम चूल्हा नहीं जलता हो, तो जो उससे थोड़े से ऊपर हैं, जिनको थोड़ी बहुत लेबर लॉस की प्रोटेक्शन है या थोड़ी बहुत सामाजिक सुरक्षा है, वो भी इस हालत में नहीं है कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के अंदर अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं। वो भी अगर 15,000-20,000 की आमदनी केवल उनकी है तो उनको अपना पूरा परिवार चलाना है तो भी उनके लिए भी बेटर गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम होना ज़रूरी है। इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कैपेसिटी रखते हैं पे करने की और उन प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं, जाओ भाई कौन रोकता है। लेकिन गवर्नमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसको गवर्नमेंट है एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उसके लिए वो इन्वेस्ट करें, उसकी बजट्स को बढ़ाए, ये मैं आर्ग्यू कर रही हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मैं ये कह रही हूँ, प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस बंद कर दिया, हार्डली 3-4% प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स रहे होंगे जिन्होंने अपनी सेंसिटिविटी नहीं खोई और खतरे को मोल लेकर के भी वो मरीजों का इलाज करते रहे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें हार्डली 2% रहे होंगे जिनकी कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को खुला रखा और आम लोगों की मदद की। बाकी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट टाइप के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने लूट मचाई, और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम अंडर प्रेशर आ गया, और उसके अंदर जितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जितना सिस्टम होना चाहिए, वो अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत बरसों से हेल्थ सिस्टम को इग्नोर किया गया है। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, 60 के दशक से पहले इस देश के अंदर दवाइयाँ केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आती थी, दवाई बहुत महंगी होती थी। जब हिंदुस्तान के अंदर फार्मा सेक्टर में उसको पब्लिक सेक्टर के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के तहत उसको खोला गया फार्मा इंडस्ट्री को, तो हमारे देश के अंदर जितना पब्लिक सेक्टर का उद्योग हुआ उससे हमारे देश में दवाइयों का दाम एकदम गिरा। जो 100 रुपए का इंजेक्शन होता था वो सीधा 10 रुपए पे आ गया, जो 10 रुपए की गोली थी वो सीधी 1 रुपए पे आ गई, जो 5 रुपए की गोली थी वो 25 पैसे पे आ गई। इस तरीके से हेल्थ सिस्टम के अंदर जब पब्लिक सेक्टर घुसा तो कॉमन मैन के इलाज की एक पॉसिबिलिटी बनी। लेकिन आज उस हेल्थ सेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता पिछले 20-25 साल के दौर के अंदर कमज़ोर किया गया, एक एक करके हमारे जो फार्मा इंडस्ट्री की पब्लिक सेक्टर के तहत यूनिट्स थी उनको बंद किया गया, कमज़ोर किया गया। इवन कि बच्चों की लाइफ के लिए जो इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शंस हैं या उनकी डोजेस हैं उसके लिए भी वो उस टाइप के जो प्रिवेंशन के इंजेक्शंस होते हैं उनको भी पब्लिक सेक्टर के फार्मा सेक्टर्स बंद होने के चलते हुए, इंडस्ट्री के बंद होने के चलते, वो प्राइवेट सेक्टर में 5 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना उनके दाम बढ़ गए। तो आप कैसा पॉपुलेशन बनाना चाहते हैं जो हेल्दी पॉपुलेशन नहीं हो? इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक नेसेसिटी है। आप विश्वगुरु बनेंगे और एजुकेशन सिस्टम को नीचे गर्त में धकेलेंगे, आप विश्वगुरु बनेंगे और अपने देश के अंदर कुपोषित और बीमार पॉपुलेशन खड़ी करेंगे और इलाज भी उनको नहीं मिलेगा। आप विश्वगुरु की बातें करेंगे, एक नॉर्मल सैनिटेशन की फैसिलिटी लोगों को नहीं देंगे। आज ये भी एक्सपोजर हो गया, तथा कथित स्वच्छ भारत का नारा देते हैं, आज हमारे सैनिटेशन वर्कर जो फ्रंट रैंक फाइटर्स में से हैं, केवल डॉक्टर्स और नर्सिस और टेक्निकल स्टाफ, हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर ही नहीं, हमारे सफाई कर्मी भी हैं, हमारे बिजली कर्मी भी हैं, हमारे बैंक्स और हमारे इंश्योरेंस, हमारे डिफेंस के एम्प्लॉय, वो सब जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे रहे, रेलवेज के हमारे ड्राइवर्स, हमारे गार्ड्स और दूसरे जो इस समय भी माल की आवाजाही को लगाते रहे, और हमारे दूसरी जितनी भी पब्लिक सर्विसेज जो इस पीरियड में, COVID-19 पीरियड में सक्रियता में रही, समेत पोस्टल सर्विसेज। तो ये इस वक्त इस महामारी के पीरियड ने यह दिखा दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ही सेवियर था, सुरक्षा में था, मैदान में था, लोगों की मदद में था। तो ये तो पहले भी जब नेचुरल डिजास्टर्स आए तो पब्लिक सिस्टम ने ही बचाया, चाहे वो सुनामी था,
चाहे समुद्री तूफान आए दिन आए रहते हैं, चाहे वो भूकंप आते हैं, और चाहे पहले भी हेल्थ की इमरजेंसीज आएं, उसके बावजूद भी ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ये सार्वजनिक क्षेत्र में जो होना चाहिए मजबूती से, वो मजबूत नहीं है। इसकी मजबूती चाहिए। वाटर रिसोर्सेज, 50% डिजीजेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से है। और अगर वाटर रिसोर्सेज के ऊपर ही गवर्नमेंट्स ध्यान दे दे, 50% हमारा जो गरीब गुरबा और निम्न गरीब है, इंक्लूडिंग मिडिल क्लासेस, वो बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट हेल्थ में कम की गई, एजुकेशन में कम की गई, इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़खानी हो रही है, और रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, उसके मेजर रेलवे स्टेशंस ऑक्शन की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर निजीकरण को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, कोल सेक्टर की मैंने आपसे बात कर दी, इसी तरीके से जब सैनिटेशन की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर धकेला जा रहा है। ठेके पे काम करने वाला हमारा वो जो सफाई कर्मी है, जो मेन होल्स में उतरता है, जिसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का कुछ इक्विपमेंट नहीं मिलता है, जहरीली गैसों से मरता रहता है, पैर में कांच लगवाता है, लाइफ स्पैन 50 बरस तक का रहता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि मैंने तो जी एक पेंशन की योजना शुरू कर दी है। आप दे रहे हो सरकार से, आपने पेंशन की योजना घोषित की, वर्कर्स को कहा अपने पैसे जमा कराते रहिए, पर मंथ कराते रहोगे, 60 साल की उम्र में तुमको फिर पेंशन मिलेगा, 2000 रुपया 3000 मिलेगा। हमारा तो बहुत सारा मजदूर 50 साल से पार ही नहीं होता है, वो तो पेंशन की उम्र तक जिंदा ही नहीं रहने वाला है। इसलिए ये बीच बीच में इलेक्शन के वास्ते झुंझुने दिखाए जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स रेगुलर एम्प्लॉय हुआ करते थे, कुछ वर्षों से आहिस्ता आहिस्ता आउटसोर्सिंग कर दी गई, अब ज़्यादातर ठेके के ऊपर काम करते हैं, उनको कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम में होना चाहिए, ये सैनिटेशन गवर्नमेंट सेक्टर में के कंट्रोल में, उसके जरिए से उनके कंट्रोल में हो। उसके साथ साथ आप निजी क्षेत्र की भी सेवाएं लेना चाहते हैं तो लो, हेल्थ सेक्टर में जैसे मैंने कहा, मेजर गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर। प्राइवेट हेल्थ सिस्टम ग्रो कर रहा है, ग्रो करने दो उनको, उनकी भी हेल्प लो। जब आपदा आएगी, आपदा के समय में वो केवल कमाएंगे और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर होगा, और फिर आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम करने वालों की, आज दिल्ली के एक हॉस्पिटल में नर्सिस की हड़ताल चल रही थी, आज उन्होंने आश्वासन किया कि तुम्हें पेमेंट दे देंगे, तो उनकी हड़ताल रुकी है। डॉक्टरों की पेमेंट, नर्सिस की पेमेंट, टेक्निकल स्टाफ की पेमेंट कई जगह के ऊपर 3-3 महीने की, 4-4 महीने की दी नहीं गई है, और आप घंटियां बजवाते हैं उनके लिए, तालियां बजवाते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी आप उनके लिए दिए जलवाते हैं, शंख बजवाते हैं, उनके लिए नाटकगिरी करते हैं, तमाशा करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और आज 5 महीने के बाद भी अगर डॉक्टर्स को कहना पड़े हमें वेतन नहीं और हमें इक्विपमेंट्स पूरे नहीं, हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, वहाँ जो ज़रूरतें पूरी नहीं है, नर्सिस को हड़ताल पे बार बार जाना पड़े, हमारी आशा वर्कर्स को जो प्रॉमिस किया कुछ नहीं मिला, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको भी जो इंसेंटिव अनाउंस किया कभी नहीं दिया गया, उनकी तो कोई पगार भी नहीं है, वो मानदेय पे काम करती हैं, आंगनवाड़ी को कोई पगार नहीं है, मानदेय पे काम करती, हमारे मिड डे मील वर्कर्स को कुछ वेतन नहीं मिला है, और हमारे जो बच्चे जिनको मिड डे मील मिलता था, उन परिवारों के बच्चे, उनको कितने महीनों से अनाज नहीं मिला। और आपके भागलपुर के एक एरिया की स्टोरी परसों इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, तो कल आपकी सरकार को चेते वो कि अच्छा अच्छा उन बच्चों को हमें मिड डे मील देना है, तो अभी तक देना नहीं था, 4 महीने से उन परिवारों के बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत से प्राइवेट स्कूल अब उनके टीचर्स को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि फीस नहीं आएगी तो हम स्कूल नहीं चला सकते। अब वो जो टीचर है वो झाड़ू लगाने का काम करेगा, जो स्किल्ड था, जो सेमी स्किल्ड था, वो अब अनस्किल्ड काम में लगा हुआ है। बहुत से टीचिंग कैडर के लोग जो हैं वो आज मनरेगा में लगे हुए हैं, बहुत से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पेड़ काटने में लगे हुए हैं। आप तो स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर की आज ये दुर्गत हुई है, और ये सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ,
वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन के लिए वाटर, सैनिटेशन का सिस्टम, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होना, पब्लिक सेक्टर के अंदर होना इन सेवाओं का, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होना, एनवायरनमेंट का अच्छा होना और सैनिटेशन सिस्टम ठीक होना, वाटर मैनेजमेंट ठीक होना, ये निहायत जरूरी है आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की हेल्थ इमरजेंसीज को डील करने के लिए। इसके अलावा बैंक्स और इंश्योरेंस देखिए, बैंक्स में जो इंपीरियल बैंक था उसको नेशनलाइज किया गया था, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद, और जो रिजर्व बैंक था उसको फिर नेशनलाइज किया गया था हिंदुस्तान में। हमें मालूम होना चाहिए कि बैंक ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में थे या वो कंट्रोल में थे, इंपीरियल बैंक मींस वो तो रॉयल फैमिली के लिए था। तो बैंक्स के नेशनलाइजेशन की लड़ाई आज़ादी से भी पहले हमारी यूनियंस ने शुरू की। 1946 में AIBEA बनी, तभी से लड़ाई हुई। 23 बरस की लड़ाई के बाद 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन मिला। इस 19 जुलाई को बैंक नेशनलाइजेशन डे है। बैंक्स के नेशनलाइजेशन होने पे, इंश्योरेंस सेक्टर के नेशनलाइज सेक्टर बनने से हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत तेज हुई। छोटा उद्योग पनपा, हमारे किसान को मदद मिली, हमारे पशुपालन आगे बढ़ा, हमारे पढ़े लिखे बच्चे उन लोन्स को लेके सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, औरों को रोजगार देने वाले बने, बहुत सी इनोवेशंस हो पाए, तो ट्रेड और बिजनेस में बढ़ोतरी हुई। आज उन ये बैंक्स को विदेशी बैंकों के हवाले करना चाहते हैं, निजीकरण करना चाहते हैं, जबरदस्ती मर्जर करना चाहते हैं, वो सारा का सारा खेल चल रहा है। तो बैंक के नेशनलाइजेशन होने के बाद इस देश की ट्रेजेक्ट्री जो डेवलपमेंट की थी, रोजगार के जो साधन जुड़े थे, और जो खेती के अंदर, कृषि के अंदर हमारे सेल्फ सफिशियंसी होने में हमें मदद मिली थी, हमारे अनाज की ग्रोथ में मदद मिली थी, किसानी को मदद मिली थी, वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से हो पाई। लेकिन आज उन्हीं पब्लिक सेक्टर की पीठ तोड़ रही है और आत्मनिर्भरता के नारे की बातें करती है सरकार। कौन सी आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो आप? आत्मनिर्भर भारत को तो हमने देख लिया ना, जो रोज कमाने और रोज खाने वाला है उसको किस तरीके से सताया इस सरकार ने, वो किस तरीके से सड़कों पे बेइज्जत किया गया, मुर्गे बनाया गया, उसके ऊपर केमिकल छिड़का गया, वो एक्सीडेंट्स में मरा, परिवारों के साथ वो लोग चले, एक बच्चे को कंधे पे रखा हुआ है, एक को गोदी में लिखा हुआ है, कुछ लोग बुजुर्गों को लेके गोदी में लेके पैदल चल रहे हैं, और श्रमिक ट्रेन 50 दिन के बाद चलती है, और श्रमिक ट्रेनों का इंतजार करते 5 दिन 10 दिन तो लोग फिर चल पड़ते हैं। वो ज्योति भी 15 साल की अपने पिता को जो साइकिल पे लेकर के आई थी, पहुंची थी बिहार लुधियाना से, वो भी श्रमिक ट्रेन के इंतजार में ही थी, नहीं हुआ तो फिर पिता को साइकिल पे खरीद के एक साइकिल लेकर के आए थे। तो वो सब कहानियां मैं इस वक्त नहीं दोहरा रही हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे हूँ, विषय पे हूँ, पर मैं कहना ये चाह रही हूँ, रेलवेज जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, जो हर रोज 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को हिंदुस्तान से एक से दूसरे कोने में पहुंचाने की कैपेसिटी रखते हैं, इस सरकार ने हमारे श्रमिकों को, हमारे मजदूरों को कष्ट होने दिया, और 25 दिन के अंदर मुश्किल से 30-40 लाख लोगों को, फिर बाद में और दिन बढ़े तो कुछ और कहा, फिर अल्टीमेटली इन्होंने कहा हमने 1 करोड़ लोगों को पहुंचाया, यानी 35-40 दिन के अंदर आपने 1 करोड़ लोगों को पहुंचाया। रेलवेज की कैपेसिटी 2 से 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में एक जगह से दूसरी तरफ ले जाने की है। ये गवर्नमेंट पर्पसली रेलवेज को कमज़ोर करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर घुसाना चाहती है, और हमारे श्रमिकों को इतना बेहद दर्द दिया इस सरकार ने, और इस वक्त एक्सीडेंट्स और भूख से मरने वाले, प्यास से मरने वाले, तड़प के मरने वाले लोगों की गिनती और एक्सीडेंट से मरने वालों की गिनती 850 से ऊपर हो चुकी है। सरकार की आंख में एक आंसू नहीं आया।
हाँ नरेंद्र मोदी आएंगे बिहार में आपकी इलेक्शंस के लिए, जब आएंगे तो हो सकता है एक आधा आंसू वो गिराएं जैसे नोटबंदी के दौरान गिराया था। नोटबंदी में कमर तोड़ी लोगों की और कहा 50 दिन में अगर मैं नहीं कामयाब हुआ जो 5 मिशन डिक्लेयर किए थे, तो जिस चौराहे पे कहोगे मैं आ जाऊंगा, मेरे को जूता मारना, और यहाँ कहा कि गोली मारना। गोली मारने का कल्चर हम नहीं मानते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन कभी भी आप 5ों आपके मिशन फेल हो गए, आप तो कभी नहीं बोले कि मैं फला चौराहे पे खड़ा हूँ या विजय चौक पे खड़ा हूँ, आ जाइए मुझे सजा दीजिए, कभी नहीं बोला। और अभी जो आपने लोगों को कष्ट दिया है उससे ध्यान बटाने के लिए आपके लोग तो वो तबलीगी का बहाना लेकर के, तबलीगी जमात का, फिर हिंदू मुस्लिम करते रहे जो 5 साल आपने काम किया। हर बार जब आप हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचने की पॉलिसी अपना रहे थे उस टाइम पे आपके मोदी भक्त इस देश में कुछ ना कुछ बंटवारे की पॉलिटिक्स कर रहे होते थे। तो हम अच्छे से समझते हैं जब आपने देश को बेचने के लिए निकलना है तो आपके गोदी मीडिया में वो इश्यू तो नहीं आना चाहिए, लेकिन उनको कोई इश्यू चाहिए, ध्यान भी भटकना चाहिए पूरे देश का, तो तभी वो मामला होता था। अब इस COVID-19 के इस पीरियड में इस महामारी को बिना प्लानिंग के बिना तैयारी के आपने जिस ढंग से 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन किया और लोगों को गलत फहमी में डाला, 18 दिन में महाभारत जीता था, 21 दिन में कोरोना पे विजय हो जाएगी, लोगों को वहम में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पब्लिक परसेप्शन में समझाया नहीं, वैज्ञानिक सोच नहीं दी, जो उनको तरीके बताने चाहिए थे वो नहीं घर घर जाके बताए गए, और उनका जो कष्ट था वो बढ़ता चला गया। अगर उनको अपने घरों पे 6-7 दिन दे दिए होते, बांग्लादेश से ही सीख लेते, छोटा सा देश है हमारे एक राज्य के बराबर, 4 दिन दिए उन्होंने अपनी जनता को कि हम लॉकडाउन करेंगे, अपने अपने घरों में जिनको जाना है चले जाओ। हमारे मजदूर भी कष्ट में आए, हमारे स्टूडेंट्स आए, हमारे पिलग्रिम्स आए, हमारे कॉमन सिटीजन्स परेशानी में आए, लेकिन नरेंद्र मोदी तो मन की बात करते हैं, वो रेकलेस हैं, वो अराजकता का रास्ता अपनाते हैं, और फिर मुझे नहीं मालूम वो सैडिस्ट हैं कि नहीं, पर जो वो जिस ढंग से वो नीति लेके आते हैं उससे जब लोगों को कष्ट होता है उनको तो कोई कष्ट नहीं होता, तो सैडिज्म तो इसी को बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया, पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो ये मैं आपसे कह रही हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर जब हमले का प्रश्न हो रहा है तो उसमें ये बैंक्स और इंश्योरेंस जिन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, उन बैंक्स और इंश्योरेंस में भी 100% विदेशी पूंजी की बातें चल रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में तो बजट में ही घोषित कर दिया था निर्मला सीतारमण ने कि सारी रेजिड्यूरीज में 100% होगा, और इनकी बैंक्स के पैसे पे भी नजर है, और इनके पीरियड में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बड़े बड़े हैं, जो सरकारी बैंकों से कर्जे उठाए बड़े बड़े पूंजीपतियों ने और उनमें से कई बाहर भाग गए, आप सबको पता है मेहुल चौकसी भाग गए और नीरव मोदी भाग गए, 36 लोग भागे थे ये पार्लियामेंट में, खुद गवर्नमेंट ने आंकड़ा पेश किया। और उसके बाद अभी अभी 3 दिन पहले कोई भागा है फिर से हमारे बैंक्स को चूना लगा के। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इनके पीरियड में 7 गुना बढ़े, और टैक्स की चोरी इनके पीरियड में 5 गुना बढ़ी। ये किसने करी टैक्स चोरी और किसने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना दिए बैंकों की चोरी की? ये सारे बड़े कॉरपोरेट घराने, जिन कॉरपोरेट घरानों की सेवा में मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई है, उन्हीं के दोस्त कमा रहे हैं, लोगों को खाने पीने के लाले हो गए। लेकिन मिस्टर अंबानी ने तो 11 अमीरों में नाम लिखा लिया है इसी COVID-19 में। और आपके टेलीविजन को आप खोलते हैं तो मुझे बोलिए COVID-19 की इस महामारी की लॉकडाउन की डिक्लेरेशन से पहले जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं क्या अब उससे कम हो गई? अखबारों में जितनी एडवर्टीजमेंट आती थी बड़े बड़े पन्नों के ऊपर, क्या वो पहले से कम हुई? जरा सर्वे कर लीजिए और देख लीजिए, रोज आ रहा है अखबारों में। बड़ा क्षेत्र और कॉरपोरेट घराने, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है, उनके पैसों के बढ़ने में भी फर्क नहीं पड़ा है। 45 दिन के पीरियड में मिस्टर अंबानी ने 1,63,000 करोड़ के अपने
जो कुछ कर्जे थे ना उनको लेवलिंग किया है, इसका मतलब इस पीरियड में इतना कमाया है। और जब ये इंडो चाइना का बात चल रहा है, गलवान घाटी की बात चल रही है, इसी 22 जून को एक और ठेका किया गया है चीन की कंपनी के साथ, इन्हीं मोदी जी के मित्रों का। 12 जून को भी हिंडन रिवर के पास, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के पास एक सुरंग का ठेका दिया गया चाइनीज कंपनी को, वहां पर सुरंग का। और 15 जून को हमारे फौजी शहीद होते हैं। उसके बाद 22 जून को मैं बता रही हूं, यह आज के अखबारों में पोल खुले। तो ये कुछ भी करते रहेंगे कॉरपोरेट घरानों में, लेकिन ये सारे पब्लिक सेक्टर को, सार्वजनिक क्षेत्र को, जो देश के आवाम के लिए फायदेमंद है, देश की ग्रोथ के लिए फायदेमंद है, विकास की प्रक्रिया में एक ये बैकबोन का रोल अदा करता है। और इस पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के चलते ही हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत बड़ा फिलिप्स मिला है, मदद मिली है, सहयोग मिला है, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर कमांडिंग हाइट्स जिसका नाम दिया गया था, ग्रोथ विद इक्वालिटी की बात जहाँ कही गई थी, अब ये ग्रोथ विद एफिशिएंसी की बात करते हैं। कमांडिंग हाइट्स तो दूर रहा, पब्लिक सेक्टर को बदनाम करते हैं, फिर उसको कॉन्शियसली कमज़ोर करते हैं, और कमज़ोर करने के बाद फिर कहते हैं कि ये तो घाटे का सौदा है, इसको बेचना पड़ेगा। तो हमारे एयरपोर्ट्स बेचे गए, 43 एयरपोर्ट्स थे, उनमें से 6 पहले बेच दिए इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के तुरंत बाद 6 और डिक्लेयर किए गए, और अभी अभी जब पैकेज मिसिस सीतारमन ने घोषित किए उसके तहत 3 को एकदम दे दिया गया। तो अडानीस की चांदी हो रही है, उनके हवाले आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट्स बेचेंगे, फिर एयर इंडिया को 5-6 साल से लगा रखा है, अभी तक इनको बिडर नहीं मिला कोई भी, वो भी बेचने पे लगा रखा है। और अब रेलवे स्टेशंस के साथ अब ट्रेन्स की जो बात आ रही है, इसका भी ये यही हाल करना चाहते हैं। और बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको निजीकरण करने का बहुत इन्होंने प्रयास किया। वसुंधरा राजे के टाइम में राजस्थान के अंदर कोशिश की, हमारी यूनियंस ने लगातार लड़ते हुए उसको बचाया। हरियाणा के अंदर खट्टर की सरकार लगातार प्राइवेट रूट दे करके पब्लिक सेक्टर की जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको ख़त्म करने की बात करती है, हमारी यूनियंस लगातार लड़ रही हैं, उसको बचा रही हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रोड ट्रांसपोर्ट होना आम आदमी के बेनिफिट की बात है, विद्यार्थी के बेनिफिट की, बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर के लिए, छोटे आम लोगों के लिए। वो जो बस सर्विसेज हैं वही सस्ती पड़ती हैं, उसी के जरिए से वो आवागमन कर सकते हैं। अगर मैं ऑयल सेक्टर की बात करूं, तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हम तो ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं करते थे, और जब अमेरिका से मदद मांगी थी पंडित नेहरू ने, तो उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ तेल वेल नहीं है जी। लेकिन उस समय की सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। 1955-56 में हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डिस्कशन हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की डिस्कशन में पंडित नेहरू को अपनी ही कांग्रेस के बीच में से एक बड़े हिस्से की अपोजिशन भी सहनी पड़ी थी। ये वही हिस्सा है जिन्होंने बाद में सिंडिकेट कांग्रेस भी बनाई थी, और ये राजे रजवाड़ों के साथ भी थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उस समय तो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये पब्लिक सेक्टर बनाने के हक में उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा भी ली, और मजबूती से उस गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई कि यस वी हैव टू डू इट। अगर हमें अपने देश की आज़ादी को महफूज रखना है, बचा के रखना है, अगर अपनी आज़ादी की मजबूती को सार्वभौमिकता में बदलना है, सॉवरेंटी में बदलना है, तो भी हमें अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। इसलिए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भरता के अर्थतंत्र को बनाने का नारा वहां से शुरू हुआ। मिस्टर नरेंद्र मोदी, उस आत्मनिर्भरता के रास्ते को जो चलाया गया उसको तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए, खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे पब्लिक सेक्टर को नेस्तनाबूद करने के लिए, और मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।
इसलिए इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हिंदुस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू किया गया तो आज हम ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा हमारी अपनी क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन है, और उससे हम गैस भी बनाते हैं, मिट्टी का तेल भी बनाते हैं, पेट्रोल भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं। बाकी जो हमारी खपत है, जो हमें चाहिए देश के अंदर, वो बाहर से क्रूड ऑयल आ रहा है। तो हमारी एक्सप्लोरेशन बढ़नी चाहिए, हम दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं रहे। पर पहले तो बोलते थे कि दुनिया पे डिपेंडेंट है इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी क्यों बढ़ रहे हैं जनाब? $147 का एक बैरल आ रहा था क्रूड ऑयल दुनिया में, तो तब मिस्टर नरेंद्र मोदी और इनकी टीम बोलती थी कि 40 रुपए में ट्रक पेट्रोल बिक सकता है, 56 रुपए में कैसे बिक रहा है। और आज दुनिया के अंदर बाजार एक बैरल क्रूड ऑयल का केवल $45 है, और आज पेट्रोल और डीजल कितने में है? ये 40 रुपए तब दिला रहे थे, वो अब 80 रुपए में है। दिल्ली में तो डीजल पेट्रोल से भी ऊपर हो गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये ले दे के जनता को मूट रहे हैं, वो पब्लिक को बेनिफिट नहीं दिया, वो सारा बेनिफिट जो है सरकार मूट रही है जनता के ऊपर से। तो ऑयल सेक्टर में BPCL को बेचने की इन्होंने बात की है। हमारा ऑयल सेक्टर जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ये भी एनर्जी का सोर्स है, ये भी हमारी एनर्जी का क्षेत्र है। एनर्जी के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में हो, चाहे वो कोल की फॉर्म में हो, एनर्जी के बिना कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उस ऑयल सेक्टर को भी ये प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, BPCL का ये बेचने के लिए निकले हुए हैं। हमारा स्टील सेक्टर, जिसके चलते हुए हमारी रेलवे पटरियां बनी, हमारी बस बॉडीज बनी, हमारे ट्रक्स बने, हमारे रिक्शा बने, हमारे ऑटो बने, हमारी कारें बनी, टैक्सियां बनी, क्या नहीं बना? स्टील सेक्टर हमारा बना क्योंकि हमारा आयरन ओर निकला, आयरन ओर की हमारी माइंस है, उसके ऊपर से हमारा स्टील का उत्पादन हो रहा है। उस स्टील के चलते हमारी हैवी इंडस्ट्री और बन रही है, उसके चलते हमारी छोटी इंडस्ट्री चलती है। वो स्टील सेक्टर हमारा महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके भी बड़े बड़े जो स्टील हमारे एंटरप्राइजेज हैं उनको बेचने के लिए सरकार निकली हुई है। कॉपर का क्षेत्र के अंदर हमारा नेशनलाइज है, सार्वजनिक क्षेत्र है, और कॉपर का हमारी एयर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, हमारी स्पेस साइंस में यूज़ होता है, हमारी एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होता है। कॉपर बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ हो रहा है, उस कॉपर को भी ये निजी हाथों में देना चाहते हैं। बॉक्साइट को इन्होंने बाल्को तो हैंडओवर किया था, बॉक्साइट की नालको को ये हैंडओवर करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने लड़ करके नालको को बचा रखा है, लेकिन अब ये उसको भी बेचना चाहते हैं। हमारी सोने की, हमारी हीरे जवाहरात की जो हमारी माइंस थी, उन माइंस को भी ये निजी हाथों में देना चाहते हैं। हमारी जो वो माइंस हैं मेटल की, जिनसे हमारे सिक्के बनते हैं, हमारी करेंसी के नोटों की जो इन्होंने हालत करती है, कुछ बाहर से भी महंगाए कागज़, हमारे यहाँ जैसे कागज़ नहीं अच्छी क्वालिटी का जिससे हम बनाते आए थे, वो भी धंधाबाजी इन्होंने की है। लेकिन हमारी जो करेंसी वो बनते हैं, हमारे सिक्के जो बनते हैं, उसमें भी स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारे जो मिंट्स बोलते हैं उनको, वो सरकारी क्षेत्र में है, ये उसको भी नीचे हाथों में देना चाहते हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को वो हैंडओवर करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहती है ये सरकार? आत्मनिर्भर भारत बना रही है, या कि भारत को ब्रिटिश राज वाले दौर के अंदर वापस फेंक रहे हैं? इनको कोई दर्द नहीं है इस पब्लिक सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर से, नेशनल सेक्टर से, किसी से कोई दर्द नहीं है इनको, क्योंकि इनकी कभी भी सोच ही नहीं रही इसके बारे में। और देश के आज़ादी के आंदोलन के साथ दूर दूर से रिश्ता नहीं था इन लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनका पुराना नाम भारतीय जनसंघ पार्टी है, जिसकी पैदाइश 1951 के अंदर हुई है, जिनकी माता श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आज़ादी के अंदर हिस्सा लेने की बजाय हमारे देश के नौजवानों को सिरफिरे नौजवान कहा था, भटके हुए नौजवान कहा था, जो RSS के फाउंडर थे हेडग्वार साहब ने, हम कैसे भूल जाएं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, जितेंद्र नाथ दास, खुदीराम बोस, मन्मथ नाथ, रोशन लाहड़ी,
करतार सिंह सराभा, कौन थे ये सब लोग जो देश के लिए मरे? मैंने कुछ का नाम लिया, ये सब उनकी नज़र में भटके हुए नौजवान थे, क्योंकि उनका मिशन अंग्रेजों से लड़ाई था ही नहीं। उनका शुरू से मिशन था इस देश के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वालों में वैमनस्य पैदा करना, पोलराइजेशन पैदा करना। और जब देश में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा पास हुआ, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जब देश में नेशनल फ्लैग चुना गया कि इसके तहत देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, इन्होंने उस फ्लैग को स्वीकारा नहीं, उसकी होली जलाई। हमें भूलना नहीं चाहिए, जब वंदे मातरम का नारा लेकर के इस देश में आज़ादी का आंदोलन चलता था, तब ये उस नारे को नफरत करते थे, आज उस नारे से ये डिवीज़न की पॉलिटिक्स करते हैं, नफरत की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जब भारत माता की जय कह के इस देश के मजदूर और किसान, बुद्धिजीवी और विद्यार्थी अंग्रेजों से टक्कर लेते थे, तब ये भारत माता का जय नहीं बोलते थे। और आज उसी नारे का इस्तेमाल करके ये विद्वेष और नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए इनको क्या दर्द है इस पब्लिक सेक्टर से? कोई दर्द नहीं है इनको। ये शुरू से बोलते थे गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। ये जो नारा है ना इनका, ये 1955-56 में जो पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, जनसंघ पार्टी के लीडर्स ने दिया था। वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो हैवी इंडस्ट्री हो, वो बिजली उत्पादन हो, वो स्पेस साइंस हो, वो एटॉमिक एनर्जी हो, लोगों को पीने का पानी देना हो, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी हो, वो रेलवे चलाना हो, या रोड ट्रांसपोर्ट जनता को देना हो, या वो डिफेंस का सेक्टर हो, या वो बैंक्स हो, या वो इंश्योरेंस हो, क्या जरूरत है? ये सब फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, ये बिल्कुल बाजार व्यवस्था होना चाहिए। ये इनकी सोच थी और वही सोच इनकी आज है, और आज बहुमत में बैठे हैं, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता का एक मुखौटा है, ये लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है, लेकिन हमारा श्रमिक मैदान के अंदर है। यहाँ मैं आपसे एक दो बात साझा करना चाहती हूँ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वो जब स्वतंत्रता आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता इस डायरेक्शन में बढ़ा, दिशा में बढ़ा कि अब हम आज़ादी हासिल करेंगे ही, शहीद आज़म भगत सिंह के उनके सहयोगियों के साथ फांसी का तख्ता झूलने के बाद, चिटागंग आर्मरी का केस होने के बाद, फिर इस देश के अंदर जब ये दौर शुरू हो गया कि संविधान समिति बननी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा ले चुके हैं, हिंदुस्तान को आज़ादी की तरफ बढ़ना है, तो फिर ये बहस शुरू हुई इस देश के अंदर कि देश के अंदर इकोनॉमी कैसे चलेगी, खेती के क्षेत्र में क्या होगा, हमारे प्राकृतिक साधनों का क्या होगा, हमारी जंगल जमीन का, पानी का, जल का क्या होगा, हमारी क्या सोच होगी, हम क्या करेंगे। तब इस देश के अंदर बहसम बहासा शुरू हुआ था, और तब चार रिपोर्टें आई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ बीजेपी का क्या लेना देना उन रिपोर्टों से। ये जो आज जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इनको क्या मालूम भी है क्या इनको, या मालूम है तो ये इसके साथ नहीं थे, और हमारे हिसाब से तो इनको क्या मालूम है, ये तो अपनी किसी दूसरी दुनिया में थे। और जब देश बिल्कुल आज़ादी के नज़दीक आया तो दंगे फसादी शुरू हुई, उस दंगे फसादी में रोल अदा करने में थे। और जब देश का संविधान बन रहा था तो उसके अंदर हिंदू राज लिखो उसमें लगे हुए थे, तो वो अपने उस सपने को जो 1925 में इन्होंने शुरू किया, अब 95 साल पूरे होने के बाद कुर्सी पे ऊपर बैठ करके इस देश को नफरत की आग में झोंक करके उस ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स से जी के जरिए से ये हिंदू राज के उस अपने दौर को, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। इस देश में पूरा नहीं होने देंगे हम, ये नहीं होगा। और उसके वास्ते इनको जरूरी है निजी क्षेत्र को बढ़ाना, कॉरपोरेट घरानों को बढ़ाना, और हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ जोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के हवाले करना। और अगर वो करना है तो इस देश के पब्लिक सेक्टर को उनको तोड़ना पड़ेगा, ये साथ साथ चलती है नीतियाँ। अगर वो करना है तो इनको इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन की कमर तोड़नी होगी। अगर वो करना है इनको तो उसके वास्ते किसान को
कि जमीन को उसको किसान को दरकिनार करना होगा, उसकी जमीन का कॉर्पोरेटाइज करना होगा, उसकी किसानी उससे छीननी होगी, वहां भी मोनोपोलाइजेशन करना होगा, एकाधिकारवाद करना होगा। और अगर वो इनको करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य निजीकरण में जाना ही है। अगर वो इनको करना है तो सोचने की किसी को गुंजाइश नहीं है, डिसेंट की नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नहीं है। जो हम कहें वही तुम बोलो, जो हम देखें वही तुम देखो, जो हम सोचें वही तुम सोचो, जो हमारे जहन में है वो तुम्हारे जहन में है। एक नेता, एक पार्टी, एक सोच, एक धर्म, एक राशन कार्ड, एक ये सब कुछ वही है। ये फेनेटिसिज्म की भाषा, नाजीवादियों वाली भाषा, तानाशाही वाले स्टाइल, अथॉरिटेरियनिज्म की सोच, उसको लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं। ये एक इतनी बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, और ये सिर्फ मूंछ को ताव देना है, अपनी पीठ थपथपानी है, उसके लिए झूठ बोलना पड़े झूठ बोलेंगे, उसके लिए विज्ञान की टांग तोड़नी पड़े तो वो भी तोड़ देंगे। तो अभी अभी इन्होंने पिछले एक हफ्ते से मजाक बना के रख दिया हिंदुस्तान का, और उसके बाद ICMR को सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि हम तो वैक्सीन निकालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिमाग में फिर आ गया होगा कि 15 अगस्त आ रहा है तो मुझे तो लाल किले के ऊपर खड़े होके कहना है हिंदुस्तान पूरा विश्व गुरु है, देखो हमने ये दवाई बना ली। अरे साइंस के कुछ तौर तरीके होते हैं। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी हैप्पी कि 15 अगस्त को दवाई आ जाए, लेकिन साइंस के तरीके से आएगी ना, उसकी सीढ़ियों को पार करके तो नहीं आएगी। क्वैकरी तो नहीं करनी, तंत्रवाद तो नहीं करना, कोरोना की दवाई चाहिए। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं साइंटिफिक प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में टेस्टिंग का क्या सिस्टम होता है, कितने महीने लगते हैं, और ये यहाँ पर तानाशाही वाला सरकुरा निकलता है, बाद में ICMR सफाइयां देती घूम रही है। नहीं जी, हमारे कहने का ये मतलब था, दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं ये हिंदुस्तान का। इसलिए हम जिक्र कर रही हूँ मैं कि हमारे देश में ये बहस कि देश की आज़ादी के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये पहले ही शुरू हुई थी, और इनका उस बहस से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये अपनी जिस दुनिया में जी रहे थे आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। उस समय एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, पंडित नेहरू उसके चेयरपर्सन थे। एक बॉम्बे रिपोर्ट तैयार हुई बॉम्बे के इकोनॉमिक ग्रुप्स की तरफ से, एक कुछ गांधीयंस ने रिपोर्ट तैयार की, उसको गांधी रिपोर्ट कहा गया, और एक MN Roy का नाम आप इतिहास में सुनते हैं, वामपंथी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें क्या करना चाहिए, अपने प्राकृतिक साधनों के रहते हुए अपने पास हमारे मानवीय साधन है, संपदा है, उनके जरिए से हमारी एजुकेशन को डील करते हुए, स्किलिंग को करते हुए, उन संसाधनों के जरिए से हम अपनी जो समस्याएं हैं, गरीबी की और मुफलिसी की, अज्ञानता की, अशिक्षा की, बीमारी की, लाइलाजी की, इन सारी चीज़ों से अपने मुल्क को बाहर कैसे निकालें। ये बकायदा ये चार चार रिपोर्टें थी, चारों रिपोर्टें किसी किसी पॉइंट पे कॉमन थी, उनमें काफ़ी उन सारी रिपोर्टों का संज्ञान लिया गया, लेकिन एक बात जो सामने निकल के आए, इस देश के लिए प्लानिंग जरूरी होगी, इस देश को फ्री मार्केट इकोनॉमी उन्मुक्त बाजार व्यवस्था के हवाले हम नहीं छोड़ सकते, उसके जरिए से हम ना विकास कर पाएंगे, ना समाज को जो देना चाहते हैं वो दे पाएंगे, ना हम प्रोडक्शन जिस ढंग से चाहेंगे वो कर पाएंगे, ना हम बेकारी के इशू को हैंडल कर पाएंगे, इसलिए प्लानिंग नेसेसरी होगा, ये निचोड़ निकला। तभी तो देश के आज़ाद होने के बाद प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिस प्लानिंग कमीशन को तोड़ करके इन्होंने नीति आयोग को बनाया, और
सही मायने में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दूर रखा गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको प्लानिंग कमीशन में, नीति आयोग में ज़्यादा जगह दी गई। अगर प्लानिंग कमीशन ने हर 5 साल पे प्लानिंग की और बहुत कुछ समाज के अंदर सरकारों को दिशा निर्देश देने की कोशिश की कि आपकी बजटिंग ऐसी होनी चाहिए, तो उस प्लानिंग कमीशन में भी कुछ वर्षों के बाद कुछ कमियां पेशियां आ सकती हैं, उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन आप बच्चे समेत जो बाथटब है, बच्चा पैदा हुआ है और बच्चे को नहलाया जा रहा है, तो आपने वो पानी फेंकना है तो आपने टब समेत और बच्चे समेत उसको फेंक दिया, ये कर रही है ये सरकार। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये प्लानिंग कमीशन उन्होंने तोड़ा, नीति आयोग बनाया, उस समय ये समझ में आई थी जो दूसरी महामारी दुनिया में फैली थी 29-30 के दौर में भयंकर, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, वो बहुत बड़ी, वो जो मंदी थी बहुत बड़ा कारण बनी थी युद्ध का। जब जब मंदी आती है युद्ध का कारण बनती है, लेकिन अब युद्ध दूसरे तरीके से हो रहे हैं जब से न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंसानों की जिंदगी में आ गया है, बहुत जो है लोकलाइज्ड युद्ध होते हैं, और या युद्ध आर्थिक तौर के युद्ध हो रहे हैं, वो भी एक युद्ध की शक्ल होती है। और इसीलिए कीन्स ने ये कहा था कि सरकारों के रेगुलेशन के बिना आप अपने मुल्कों का विकास नहीं कर सकते हो। तो रेगुलेशन जरूरी था, प्लानिंग जरूरी थी। जब हम देश आज़ाद हुआ तभी ये भी समझ निकली थी कि लैंड टू द टिलर का कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। उस समय का किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व के अंदर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी। उनकी ये डिमांड थी कि जो एक लिमिट से ऊपर जमीन हो, सीलिंग लगनी चाहिए, और जो लैंडलेस है उसमें जमीन बंटनी चाहिए, किसान को मदद करनी चाहिए, किसान की ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो जागीरदारी सिस्टम, एक सीमा से ऊपर जिनके पास जमीन है वो फाजिल जमीन सरकारों को लेनी चाहिए और वो गरीब गुरबा बेजमीनों में बांटनी चाहिए। ये हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन से, जिसमें अंदर किसान बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा था, उसमें से निकला। इसलिए उस पॉलिसी के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी गई। ये थी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की लड़ाई। अब सरकार क्या कर रही है, कह रही है कि APMC में हमने चेंज कर दिया, हम मार्केट्स के लिए ओपन कर दिया, एक्सपोर्ट हम अनाज की दुगना कर देंगे, हमने ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, बड़ा फ़ायदा किसानों को होने वाला है। 85% किसान इससे मरने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है, किसानों की आत्महत्याएँ बढ़ेंगी। सरकार झुंझुना दिखा रही है कि बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन हमारे देश की जो अनाज के लिए भी आत्मनिर्भरता है ना, आज जो बम्पर अनाज है लोगों के मुंह तक नहीं पहुंच रहा है, ये सरकार का निकम्मापन है, ये हमारे वितरण प्रणाली का दोष है। हमारी PDS में सभी लोग कवर्ड नहीं हैं, और बहुत सारे लोग PDS से बाहर रखे गए हैं, और आधार कार्ड से लिंकेजेस के वजह से लोगों को अनाज नहीं है। बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो इधर उधर हैं, तो वो अनाज को हासिल नहीं कर सकते हैं, जिनकी ज़रूरतें भी हों तो भी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम ये बोलते हैं कि देश के अंदर हंगर जैसी स्थिति हो जाएगी आने वाले दिनों में, जबकि अनाज की कमी नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में 5-5 बार भूखमरी से हमारे लोग मरे थे, जबकि अनाज की कमी नहीं थी। और देश के आज़ादी के होने के 4 बरस पहले बंगाल का जो महाकाल है, भूखमरी जो फैली थी, अकाल पड़ा था, वो भूला नहीं है देश के लोगों को। इप्टा का आंदोलन बड़ी तेज़ी से उभरा था उसमें से, जिन्होंने देश में घूम घूम करके बहुत कुछ इकट्ठा करके जा करके बंगाल में, और बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा साथ पड़ता था, वहाँ जाके मदद करी थी। तो ये जो हालात है, खेती का भी कॉरपोरेटाइजेशन होगा, ये भी एक हो रहा है अब, जबकि वो भी संज्ञान में था देश के आज़ादी के आंदोलन में। ये भी तय हुआ कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए रेगुलेशन जरूरी होगा, उसके लिए श्रमिकों को कानून देने पड़ेंगे, श्रमिकों को अधिकार देने पड़ेंगे, उनकी यूनियनाइजेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए, यूनियन बनाने के अधिकार, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का दिया गया, लिविंग वेज का कंसेप्ट उसमें दिया गया, बच्चों को काम के स्थान पर नहीं होना चाहिए, 14 बरस एंड अबव वाले बच्चे सारे के सारे जो हैं उनको मुफ्त और आवश्यक शिक्षा दी जाएगी, 0 से लेके,
इन्होंने फंडामेंटल राइट में लाते हुए उसको 14 से कर दिया, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो शुरू से था 14 वर्ष से नीचे का बच्चा कोई भी काम के स्थान पे नहीं होगा, सब पाठशाला में होगा। ये हमारे आज़ादी के आंदोलन के सपने थे, अलग अलग धाराएं थी आज़ादी के आंदोलन की थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफॉर्म भी था, उसमें सोशलिस्ट भी थे और उसमें बहुत सी और धाराएं थी, जिन धाराओं के चलते हुए ये आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ा। लेकिन उस धारा के अंदर आरएसएस नहीं थी, जिन लोगों ने जनसंघ बनाई या जिसका नया भारतीय जनता पार्टी नाम है, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। ये तो आज़ादी के झंडे से ही नफरत करते थे, जिस झंडे को लेकर के आज देशभक्ति के नारे ये लेते घूमते हैं और जो देशभक्त हैं उनकी पिटाई करने में लगे रहते हैं हर रोज ये, तो ये इनका जो नारा है वो कैमोफ्लॉजिंग होती है, धोखाधड़ी की बात होती है। इसलिए मैं आपसे ये जिक्र किया इतिहास का, ये सडन नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान में इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें पब्लिक सेक्टर बनाना होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में जाना होगा, योजना आयोग होगा, खेती पे ध्यान देना होगा, देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा, इसमें हैवी इंडस्ट्री बनानी होगी, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना होगा, आयरन ओर, कोल का ओर, हमारा जो दूसरे मिनरल्स हैं, बॉक्साइट्स हैं, कॉपर है, डायमंड्स है, हीरे जवाहरात है, सोना है, उन सारे खदानों और खनिजों को आगे बढ़ाना होगा, अपने सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाना होगा। और बैंक्स का तो राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया जब तक यूनियनों की लंबी लड़ाई नहीं चली, 69 के अंदर मिला, उन बैंक्स का नेशनलाइज्ड और नेशनल क्षेत्र के अंदर हमारी जो इंश्योरेंस थी, इसके जो रिसोर्सिस थे, इसके जो फंड थे, वो देश की डेवलपमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर काम में आए। और आज इंश्योरेंस सेक्टर के पैसे को ये सिर्फ हड़पना चाहते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनियां फेल हो गई अमेरिका में, उनको ये यहाँ बिजनेस देना चाहते हैं। जो बैंक्स वहाँ फेल हुए, यूरोप में फेल हुए, उन बैंक्स को यहाँ वर्चस्व देना चाहते हैं। जिन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स की वजह से डेवलपमेंट हुआ, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आगे बढ़ी, हम पीएल 480 के उस जुर्म से जो अमेरिका का था उससे बाहर निकल के अपने किसानी को बहुत आगे बढ़ाने में मदद हासिल कर पाए, और एनिमल हस्बेंड्री में हमारा जो आम दूधिया है, पशुपालन वाला है, गांव वाला है, गांव की इकोनॉमी वाला है, उसको मदद दे पाए। उस सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के अंदर बैंक्स ने रोल अदा किया, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में ही इंश्योरेंस सेक्टर का पैसा सरकार की मदद में आया, आज सरकार उसी को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए जब मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को प्राइवेट सेक्टर में बैंक चलाना है तो वो ना चलाए, चला लो भाई तुम लोग। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक को क्यों तोड़ा जा रहा है, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को, लोगों की बचत की जो हैबिट है उसको ख़त्म करने की कोशिश क्यों की जा रही। जितने कर्जे प्राइवेट बैंकों से लोग लेते हैं उनकी क्या हालत होती है कि वो सुसाइड्स के रास्ते पे पहुंचते हैं। इसीलिए हम ये समझते हैं कि हमारे सरकारी बैंकों से पूंजीपतियों ने पैसा लिया, लूट के बाहर भागे, और हिंदुस्तान में उनके बहुत से लोन्स माफ़ कर दिए गए। किसान के लोन की माफ़ी की बात आती है तो हंगामा हो जाता है इस देश के अंदर। छोटे मोटे काम धंधे के लिए हमारे युवा पढ़े लिखे लोग ले लेते हैं, कोई दुकान खोलने के लिए, कोई मशीन के लिए, या किसान ट्रैक्टर के लिए लेता है। तूफान मच जाता है इस देश में, अगर लगातार किस्त चुका रहे हों, एक किस्त ना चुकाई जाए तो कानून डंडा लेकर के सिर के ऊपर आता है, तो कानून भी दोहरा मापदंड कर रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी इस देश के अंदर, सार्वजनिक उपक्रमों को बनाने की इस देश के अंदर जो नीति थी, वो हमारे आज़ादी के आंदोलन का सपना था, और वही मैं जिक्र करना चाहती हूँ। आपके यहाँ चंपारण की खेती के लिए, चंपारण के आंदोलन के लिए गए, क्योंकि वहाँ नील की खेती जबरदस्ती चंपारण ने किसानों से कराता था अंग्रेज। अंग्रेजों ने हमारे काश्तकारों को तबाह किया, हमारे किसानों को बेजमीन किया, उनकी ज़मीनों के ऊपर से मलकियत बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़े बड़े जागीरदार खड़े कर दिए,
हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को तबाह किया, हमारा लुटा पुटा वो किसान जो मजदूर में परिवर्तित हुआ, वही जूट मिलों में, टेक्सटाइल मिलों में, दूसरे काम धंधों में शहरों में आया और उसने काम किया। और हमारे मजदूर ने, हमारे किसान ने, हमारे आदिवासियों ने जो प्रतिरोध जताया, जो आंदोलन किए, जिनको दबा दिया, कुचला दिया, उन्हीं आंदोलनों ने 1857 को फिर से जन्म देने में मदद की थी। 1857 में वो दबाया गया आंदोलन, तो उसके बाद फिर से इन्हीं सेक्शंस ने और उसमें वर्किंग क्लास ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। इन्होंने फिर से इस देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन के उभरने की पृष्ठभूमि बनाई। और 19वीं सदी के बाद जब 20वीं सदी हुई, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे समाज के हर हिस्से, हमारे विद्यार्थी, नौजवान, शिक्षक सभी तो मैदान में उतरे। उस समय जो लिखने पढ़ने वाले थे, अखबार नवीजी करते थे, कुछ अखबार चलाए जिन्होंने, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, आंदोलनों में उतारा जा सके। उस समय ये दूर दूर तक कहीं नहीं थे जिन्होंने इस देश के अंदर डिवीज़न की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम सियासत की पॉलिटिक्स की। इसीलिए मैं आपके सामने जिक्र कर रही हूँ नमक सत्याग्रह का। मैंने चंपारण का जिक्र किया, मैं नमक सत्याग्रह का जिक्र करना चाहती हूँ। लोगों को लगता था ये तो छोटी सी बात है, उस समय बहुत लोगों ने कहा इसको लंगोटी वाले को समझ में नहीं आती है, ये क्या कर रहा है, एक चल दिया है लोगों को लेके और नमक का सत्याग्रह करेगा। पर उसके पीछे मैसेज था, हमारे समुद्री किनारों पे हमारे मजदूर काम करें और बिना किन्हीं सुरक्षा के साधनों से काम करें, पूरी उनको वेतन भी नहीं मिले, और वो नमक तैयार करें, नमक की पैकिंग भी करवाएं और वो नमक का बिजनेस अंग्रेज करें, देश के लोगों को नमक मिले ना मिले खाने का, लेकिन नमक का व्यापार अंग्रेज करें। तो एक छोटी सी बात बताने की थी बापू गांधी के नमक सत्याग्रह से, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे, उन रिसोर्सेज पे हमारे देश के लोग काम करते हैं, फिर उस देश के रिसोर्सेज पे ऊपर काम करने वाला देश का वासी है तो उसके ऊपर फिर उसका अधिकार है और उसकी कमाई से फिर लोगों का विकास की प्रक्रिया होनी है। तो इसलिए एक सीधा साधा मैसेज था। तो आज के इस दौर में जब हम 9 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ, ऐसे मौके के ऊपर आपने लगातार अपनी व्याख्यान की श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसमें आपने आज सार्वजनिक उपकरणों के महत्व के बारे में मेरे से चर्चा करने के लिए कहा, जिसका मैंने जिक्र किया। बुनियादी तौर पे समझ लीजिए कि हमारी सॉवरेंटी, हमारी डेवलपमेंट, हमारी नेशनल ग्रोथ, जब तक जो सारे सेक्टर्स मैंने गिनाए हैं उन सब सेक्टर्स के अंदर हम स्वतः स्फूर्त नहीं होंगे, सचमुच आत्मनिर्भर नहीं होंगे। मैं आत्मनिर्भरता का अर्थ ये कभी नहीं बोलती कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान नहीं होगा, होगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि हमारा ट्रेड इन और ट्रेड आउट नहीं होना चाहिए, होगा। एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, इम्पोर्ट भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इधर से उधर और उधर से इधर भी होना चाहिए, उसके हम इनकार नहीं कर रहे। पर जब आप किसानों को बर्बाद करने के लिए FCI तबाह कर रहे हैं तो PDS सिस्टम तबाह हो जाएगा, तो देश के हित में नहीं होगा, देश के आवाम में कुपोषण का रास्ता होगा, वो देश के विकास के लिए घातक होगा। और जब आप स्पेस साइंस जैसी साइंस के अंदर भी, आपको मैं बता दूं, सतीश धवन नाम है ना इसरो स्टेशन का, जो अभी इन्होंने बदल रहे हैं उसको, सतीश धवन उस इसरो के चेयरपर्सन रहे, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान की, उस इसरो के चेयरपर्सन सतीश धवन आपके ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के रैंक्स से निकले हुए थे। आपकी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 1936 से बनने के बाद से इस देश को बड़े प्रबुद्ध वैज्ञानिक भी दिए, किसान आंदोलनों के नेता भी दिए, वाइस चांसलर्स भी दिए, UGC चेयरपर्सन्स भी दिए,
हमारे कल्चरल पर्सनालिटीज़ भी दी, लेखक जगत में भी लोग दिए। AISF की बहुत रिच हेरिटेज है और इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन केवल अपनी शिक्षा की बात करना नहीं सीखी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सर्वव्यापी विकास कैसे हो वो भी सीखी, क्योंकि देश के आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा थी। 19वीं सदी से जो छात्र आंदोलन ने अपना योगदान डाला था, आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग तरीकों से हिस्सेदारी निभाई थी, तो फिर एक संगठन के रूप में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बनने के बाद एक संगठन के रूप में उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया था। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की लीडरशिप ने उस समय की लीडरशिप के कतारों से निकले हुए लोग जो हर फील्ड में गए, उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की हर लीडरशिप को एनरिच करने की कोशिश की सोच और समझ के जरिए से। और इसलिए AISF अपने इमीडिएट जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो स्टूडेंट्स हैं, उसके मुद्दे एजुकेशन है, एजुकेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, उसमें उसकी प्रॉपर एजुकेशन होना है, उसकी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड होना है, इंटरनेशनल कंपटीशन में आगे बढ़ाना है, और इसलिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर ने ही उसमें स्पेंडिंग करना है उन सब के वास्ते, ये आपका मेन एजेंडा है। लेकिन वो सब गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, और इसीलिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहती है तो आपको फ़ायदा है, अगर बिजली का गवर्नमेंट सेक्टर में रहता है तो आपको फ़ायदा है, रेलवे पब्लिक सेक्टर में रहती है तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, स्पेस साइंस एटॉमिक साइंस रहती है तो स्टूडेंट्स को पैसा, मैं एक एक सेक्टर का गिना सकती हूँ इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रही, पर मैं आपसे जो कहना चाह रही, स्पेस साइंस में भी अब ये निजी क्षेत्र घुसा रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि हमारी स्पेस साइंस की जो फैसिलिटीज हैं हमारे स्टेशन के, उन फैसिलिटीज को हम एज ए गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को कोई फैसिलिटी उसमें से यूज करनी है तो हम अपनी कंडीशन पे उस फैसिलिटीज को उसको देंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर घुस करके हमारे स्पेस साइंस के अंदर उसका मालिक और भागीदार हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट दिस गवर्नमेंट वांट्स टू डू, दैट इज टोटली रॉन्ग। इसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी की बात है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर अगर आप एक भी RTI लगाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, आप नहीं पूछ सकते स्पेस स्टेशन के नजदीक, आप कोई RTI नहीं लगा सकते उस पर, तो आप RTI नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो सीक्रेट है जी गवर्नमेंट का, फिर प्राइवेट सेक्टर क्यों घुस रहा, वहां सीक्रेट रह जाएगा। और उस स्पेस साइंस की वजह से हमारी खेती को बहुत मदद मिली, हमारे मौसम विभाग को बहुत मदद मिली, आप वहां प्राइवेट सेक्टर घुसाने चाह रहे हैं, उनको बिजनेस देने चाह रहे हैं, और आप नए नए सपने ले रहे हैं जी, हमने तो लोगों को किराया वो खर्चेंगे, हम उनको स्पेस के दर्शन करा के लाएंगे। अरे लोगों को पहले नीचे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दो, रेलवेज तो सुधार दो उनकी, तुम अभी से झांक रहे हो, जब देश के अंदर 10 करोड़ लोग वो हैं जिनके पास होम एड्रेस नहीं है, घर का पता नहीं है उनके पास एज पर 2011 सेंसस, और 2020 आते आते बेघरी बढ़ चुकी है, वो बढ़ने का मतलब है कितने करोड़ हैं, और प्रधानमंत्री कहने आते हैं कि ब्रिटानिया से हम 12 गुना है, तो भी हमारे यहाँ तो केस कम हुए हैं, तो ब्रिटानिया के बराबर UK के बराबर आपके यहाँ होमलेस पीपल हैं, ये भी बता दो ना देश को, ये क्यों नहीं बताने के लिए आ रहे, और आप स्पेस साइंस को भी निजी क्षेत्र में घुसाना चाह रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में जो है अगर हमारा वहाँ कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर भी जाता है ना, रेडिएशन से इफेक्टेड भी हो जाता है, तो भी उसको हक नहीं है कि बाहर जाके बताए, आप वहां पर प्राइवेट सेक्टर घुसा रहे, ये ले दे के निचोड़ में मैं आपसे कहना चाहती हूं, देश की सिक्योरिटी से सरकार खिलवाड़ कर रही है, देश के सेंसिटिव एरियाज में निजी क्षेत्र घुसा रही है, देश के डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर घुस जाएगा, फॉरेन सेक्टर घुस जाएगा, तो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स को
कौन रोक लेगा जो दुनिया के अलग अलग इलाकों के अंदर काम करते हैं कि वो यहाँ नहीं घुसेगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके राज के दौरान ये फैक्ट सामने आया कि 32 कंपनीज दुनिया में आतंकवादियों को और उसमें ये जो IIS है सीरिया में और गल्फ देशों में जो फिर से सिर उठा रही है, उनको हथियार बेच रही वो कंपनियां। उस 32 में 8 हिंदुस्तान की कंपनियां थी। वो जो 8 हिंदुस्तान की कंपनियां उनको हथियार टेररिस्टों को बेच रही थी, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी। क्या मिस्टर मोदी ने उन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बंद किया, उनको कंट्रोल किया? क्या अपना डिफेंस सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर को और विदेशी कंपनियों को घुसा रहे हैं? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी लड़ाई इस वक्त वर्किंग क्लास की लड़ाई ये कतई नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, अपनी पगार की बात कर रहे हैं, अपने पर्क्स की बात कर रहे हैं, अपने बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हर वो सार्वजनिक क्षेत्र, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का हो, उस क्षेत्र के अंदर जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसी से ही देश की सुरक्षा है, उसी से ही हमारी आत्मनिर्भरता बची रहेगी। अमेरिका जैसा देश आंख दिखाता है तो आप क्लोरोक्विन बेचने के लिए पहले आप बोलते हैं हम किसी को दुनिया में नहीं दे रहे, वो आंख दिखाता है तो अगले दिन आप अपना फैसला बदलते हैं, उनको क्लोरोक्विन देते हैं, और उसके बाद मन की बात में आते हैं तो कहते हैं हम बड़े उदारवादी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हम तो दुनिया में भी हम दवाइयां में भेजे, तो दुनिया में दवाइयां भेजे तो दुनिया में सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्यों भेजते रहे जब देश के अंदर पाइलअप करने की जरूरत थी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप सब साथियों से मेरा ये कहना है, विशेष करके जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, आज का दौर है जिसको हम ये समझें। अगर प्रोटेक्टेड जॉब्स मिल रही थी, जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी, प्रॉपर पे मिल रही थी, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी की सुरक्षा थी, अगर लेबर लॉज की पूरी प्रोटेक्शन थी, भविष्य की गारंटी और पेंशन थी, और उसके साथ SC और ST को रिजर्वेशन की अपॉर्चुनिटी थी, तो वो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में ही थी, या जहां तक अभी है। लेकिन अगर ये सब कुछ निजी क्षेत्र में धकेला जाता है तो देश के विकास को तो बहुत धक्का लगेगा ही, देश की सवरेंटी को, संप्रभुता को तो बहुत धक्का लगेगा ही, देश बहुत पीछे जाएगा ही, लेकिन जो गरीब गुरबा है, वो SC ST हो या वो गरीब गुरबा किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस ग्रुप का हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, वो सफ़र करेगा। जैसे अगर हमारे एजुकेशन के अदारों में JNU जैसी यूनिवर्सिटीज और बढ़ाने की ज़रूरत है, वो ना करके उसको तोड़ दिया जाए, तो आपके बिहार का गरीब गुरबा एरिया का जो बच्चा आ पाता है, इररिस्पेक्टिव वो किस कास्ट का है, वो आ पाता है, वहाँ पढ़ पाता है, जैसे कन्हैया पढ़ पाया वहाँ से, जिस कन्हैया को इन्होंने टारगेट बनाया, क्योंकि JNU को भी टारगेट बनाना था। और इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये इनकी एक सोची समझी पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ साथ साथ चलता है, कि अगर इनको वित्त पूंजी जो दुनिया की है उसके साथ जुड़ना है, अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे तो आज अमेरिका की झोली में बैठना है, तो उसके वास्ते विदेशी पूंजी को मदद करनी है, तो देश की अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको कमज़ोर करना है, उसको कमज़ोर करना है, तो जो लड़ने वाले हिस्से हैं उनके ऊपर हमला बोलो तो श्रम कानून कमज़ोर करना है, अगर किसान की ज़मीन छीननी है तो किसान को इतना पंगु कर दो कि वो ज़मीन छोड़ के ही भाग जाए, उसको खेती का घाटे का सौदा करो, और अगर विरोध को निपटना है तो विश्वविद्यालयों में और यूनिवर्सिटियों में सोचने की प्रक्रिया बंद करवाओ, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण कर दो,
ताकि बहुत सारे जो पिछड़े तबके हैं, जो गरीब गुरबा हैं, एससी एसटी ओबीसी और सारा गरीब अगाड़ी क्लासेस का भी, दूसरी फॉरवर्ड कम्युनिटीज का भी, वो सारा गरीब गुरबा जो उनको मैं सारे को पिछड़ा ही मानूंगी, वो सब इस शिक्षा के दायरे से बाहर फेंक जाए और इनके जी हजूर रह जाए। इनको मोदी भक्त चाहिए और इनको गोदी मीडिया चाहिए, इसलिए मीडिया पे भी अटैक है, सेंसिबल जर्नलिस्ट को धमकाया जा रहा है। आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपको सारी खबरें हैं। उनको नहीं छोड़ा, फिल्म पर्सनालिटीज को नहीं छोड़ा, अखबार नवीजों को नहीं छोड़ा, कॉरपोरेट घरानों ने मीडिया कंट्रोल कर रखा है इक्का दुक्का को छोड़ के। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन से क्यों डरते हैं ये? वो रवि रवि शंकर ने क्या बोला, उस जिस प्रकृति के साथ खिलवाड़ की वजह से आज विपदाएं आ रही हैं तरह तरह की, जिनमें से ये बीमारी वाली विपदाएं भी हैं, उस पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए जमुना के किनारे अपना इतना बड़ा जो नाटक रचाया था रवि रवि शंकर ने, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री सारे पहुंचे हुए थे, और एनजीटी ने 100 करोड़ का फाइन लगाया, एक टका नहीं दिया आज तक, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, हमारी जमुना के किनारे को बर्बाद किया गया, उसकी सैलिनिटी को बर्बाद किया गया, आज तक एक पैसा नहीं उन्होंने दिया। और वो रवि रविशंकर कहते हैं सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए, यहां से नक्सलिए पैदा होते हैं, सरकारी कॉलेज नहीं होने चाहिए, यहां से अर्बन नक्सल पैदा होते हैं, वामपक्षीय पैदा होते हैं। गरीब गुरबा का बच्चा जो कह रहा है मेरे को वो भोजन नहीं मिला मिड डे मील का, आप कह रहे हैं वहां नक्सल पैदा हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला इनको नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं कि आप सरकारी स्कूल के हैं कि गैर सरकारी स्कूल के हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल के कॉलेज के हैं कि प्राइवेट कॉलेज के हैं, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप खतरनाक है, सोचने की आजादी नहीं है आपको, आप वो सोचिए जो वो कहते हैं। तो ये सारा पैकेज है, और इसी पैकेज के चलते हुए यूनिवर्सिटियों पे हमला बोला हुआ है। इसीलिए असम के सिटीजनशिप एक्ट, जिसका कुछ और मायने थे, पूरे देश में लादने की बात की, और इसीलिए उसी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो पूरे देश के अंदर लोग सक्रिय थे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसमें अब चुन चुन करके, विशेष करके स्टूडेंट्स को पकड़ करके जेलों में ठूसा गया है। तो ये क्वेश्चन करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, डिसेंट ओपिनियन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फुल स्टॉप कॉमा बदले हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं। इन्होंने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा है। अगर पब्लिक सेक्टर तोड़ना है तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी तोड़ना है, और ये पूरा का पूरा जुडिशरी को भी इंटिमिडेट करते हैं, और वो हमने पिछले दिनों के अंदर भी देख लिया। तो ये इनका हमला सर्वव्यापी है। तो सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर ये जो बहस है, विजेवी सो कॉल्ड इनका आत्मनिर्भरता का नारा, ये आइसोलेशन में नहीं है, डोंट टेक इट एज आइसोलेशन, इसलिए ये अलग थलग बहस नहीं है, ये इनके पूरे जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इनका है, जो इनकी सोच है, जिस तरीके के भारत का दिव्य दर्शन ये करना चाहते हैं, जहां पर इन्हीं की आवाज होगी और जहां पर नाजीवाद और फांसीवाद का बोलबाला होना चाहिए, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र होना चाहिए, सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट, इंडिया के कंसेप्ट को तो ये तोड़ ही रहे हैं, उस वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से निकल करके टोटली फिर अथॉरिटेरियन स्टेट के कंसेप्ट में इनको घुसना है। उसको किस फॉर्म का नाजीवाद बोलेंगे, फांसीवाद बोलेंगे, अथॉरिटेरियनिज्म बोलेंगे, वो जो भी कंटेंट, हमें कंटेंट से मतलब, कंटेंट ये होगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होंगे, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, आर वी रेडी? जिन आइकॉन्स की हम नाम लेते हैं,
जिनको हम मानते हैं, जिनकी आप अपने फेसबुक के अंदर फोटो लगाते रहते हो भगत सिंह के, या चेक ही लगाते हो, अपने देश की बात करें तो अशफाकुल्ला की लगाते हो, रामप्रसाद बिस्मिल की भी लगाते हो, सुखदेव और राजगुरु की भी लगाते हो, चंद्रशेखर आजाद की भी लगाते हो। उस युवा पीढ़ी ने देश के आजादी के आंदोलन में तो बहुत सी धाराएं थी, सब ने हिस्सा लिया, और उस युवा पीढ़ी की कुर्बानियों को तो कोई भूल नहीं सकता। 14 साल के खुदीराम बोस को हम कैसे भूल जाएं जब वो आजादी के आंदोलन में कूद गया? हम कैसे भूल जाएं कि करतार सिंह सराभा 18 साल की उम्र में देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए? 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा को फांसी चढ़ा दी गई, भूल जाएं हम? 23 साल के भगत सिंह और उसी उम्र के लगभग उनके मित्रों को फांसी पे लटकाया गया। तो आज स्थिति क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर जो हमारी आबादी है उसकी मैं बात करना चाहती हूँ। हमारी आबादी का 69% हिस्सा कौन है? 35 वर्ष से नीचे वाले, ये 2011 का सेंसस बता रहा है। 2020-21 का सेंसस लगभग इसके आसपास ही होगा, कम नहीं होगी, गिनती ज़्यादा ही होगी। इसमें से 25 वर्ष से नीचे वाले कितने हैं? आधी आबादी, 25 years and below। आधी आबादी का क्या मतलब? 130 करोड़ मान लीजिए आप, हमारे हिसाब से 138 करोड़ के आसपास आ चुकी होगी, लेकिन मान लीजिए अब आए 130 करोड़ भी बोलते हैं तो कितनी आबादी हुई? 65 करोड़। 65 करोड़ इस देश के अंदर 25 बरस से नीचे वाला है। और आप स्टूडेंट फेडरेशन के कॉम्रेड्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी पीढ़ी ही भविष्य है इस देश का। अगर आप इन सब चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे अपने संघर्षों के साथ साथ, आज आपके लिए जरूरी है कि आप जुड़िए। वो प्रवासी यंगस्टर जो आए, बहुमत उनमें से, प्रवासियों में से जो आया धक्के खाता सड़कों पे, वो नौजवान है, उनमें से कईयों की तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई हुई थी, 12 साल 13 साल 15 साल 14 साल के बच्चे, रिक्शा चलाने वाले, झल्ली ढोने वाले, बोझा उठाने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, अपने परिवार के साथ छोटे मोटे फैमिली बिजनेस में, सो कॉल्ड में काम करने वाले, वो सब बच्चे हमने सड़कों पे देखे इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो अपने घरों की तरफ, हताशा अपनी फैमिलीज की तरफ भाग रहे थे, घर जाना है उनको। तो इसलिए आप ये सोच लीजिए, वो बहुत हताश हुआ है मजदूर। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने, मैं पहले भी कह चुकी हूँ यूथ फेडरेशन के फेसबुक पे जिस दिन मैं आई थी, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ, गांव गांव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर जो नौजवान लौटा है, वो उनमें बहुत पढ़ा लिखा नौजवान भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लौटा है, फैक्ट्रियों में काम करने वाला भी लौटा है, ऑटो इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग लिया हुआ, पॉलिटेक्निक वाला, आईटीआई ट्रेनिंग वाला, वो सब लोग पढ़े लिखे, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो सब लौटे हैं, बीएड एमएड भी लौटे हैं। तो उन सबके साथ लिंकेजेस बनाना निहायत जरूरी है। लेट देम अंडरस्टैंड कि सरकार ने उनके साथ क्या किया है। दे हैव बीन चीटेड, दे हैव बीन बेट्रेड, दे हैव बीन ह्यूमिलेटेड, दे हैव बीन इंसल्टेड। वी मस्ट टेक दिस फीलिंग टू दोज पीपल। ये फीलिंग उनके पास है, दे हैव टू बी टोल्ड कि किस वजह से ये हुआ है। दे शुड नॉट अंडरस्टैंड कि कोविड 19 हो गया उसकी वजह से हुआ। दे शुड अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव टूवर्ड्स पुअर एंड टूवर्ड्स वर्किंग पीपल, टूवर्ड्स पीजेंट्स। ये हमें उनको बताना है। इसलिए यंगर जनरेशन को चीट किया कि तुम्हें रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, और यंगर जनरेशन के रोजगार छीन लिए इन्होंने। यू मस्ट गो एंड टेल देम। और इसीलिए अपने आंदोलन को तेज कीजिए, अपने मुद्दों को आगे बढ़ाइए। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में 40% बच्चा स्कूलों का बाहर फिक जाएगा, इसलिए नॉर्मल एजुकेशन हमको चाहिए। और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर सप्लीमेंट होता है, वो अल्टरनेटिव नहीं होता, वो विकल्प नहीं हो सकता है। हमारा बहुमत जनता, उसके बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाएंगे, वो सीरियस इशू है आपके लिए, उसको लीजिए,
उसके साथ साथ इस यंगस्टर के साथ जुड़िए जिसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। इसलिए मैंने तो सोचा था मैं घंटा भर ही आपसे बात करूंगी, मैंने तो 1.5 घंटे से ऊपर ले लिया और आपकी पेशेंस बहुत मैंने टेस्ट कर ली, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार चैप्टर को बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी सीरीज चला रहे हैं, लगातार अपने यंग छात्र साथियों को, युवा साथियों को लगातार अपने इस फेस पेज पे लेकर के आ रहे हैं। मेरी रेमिनिसेंसीज है, मैं तो बिहार के अंदर लगभग 75-76 से आ रही हूँ, जब आप में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं ASF लीडरशिप का पार्ट होने के नाते आई और 79 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी हो गई ASF की, तो उसके बाद मेरी आपकी तरफ आना काफ़ी बढ़ गया था। बिहार प्रदेश ने उस समय की ASF लीडरशिप ने मेरे को कॉलेज गेट्स के बाहर पब्लिक मीटिंग्स, स्टूडेंट्स की पब्लिक मीटिंग्स में एक पब्लिक स्पीकर के रूप में स्टूडेंट्स के बीच में भी उतारा था, तो मैं ये भूलती नहीं हूँ। तो पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे गेट्स के ऊपर सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ, और कभी कभी कॉलेज कैंपसेस के नज़दीक में बड़े ग्राउंड में हजारों विद्यार्थियों के साथ। तो मैं चाहूँगी कि हमारे विद्यार्थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का नाम फिर से रोशन करें। मैं बड़ी आशाएं आपसे रखना चाहती हूं कि आप छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे छात्र संगठनों के साथ मिलजुल करके भी इस आंदोलन को तेज करेंगे और देश के अंदर जो इस वक्त विपता है उसका भी संज्ञान लेंगे, लोगों को समझाइए ये एक महामारी है, इसका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं, जात और भाषा से भी लेना देना नहीं। पहले इन्होंने लोगों को कंप्लेसेंट कर दिया, 18 दिन में महाभारत जीता था, 21 दिन में इसको जीतेंगे, अब ये कंप्लेसेंट कर रहे हैं जब पीक की तरफ बढ़ रही है बीमारी, अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम तो जी 15 अगस्त को दिवाली आने वाली है तो कोई चिंता की बात नहीं। इस कंप्लेसेंसी में समाज को नहीं पड़ने देना, हमें अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग भी निभानी है एज पर मेडिकल एडवाइस, हमें मास्क पहनना चाहिए क्योंकि अपने लिए और दूसरे के लिए सुरक्षा की बात है, उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, हाथ को भी हमेशा सफा रखें, लेकिन आंदोलनों से पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, बोलना बंद नहीं करेंगे, सवाल करना बंद नहीं करेंगे, बुलंदी हमारी रहेगी। तो जहाँ मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, हम सड़क पे उतरेंगे। आज भी आप उतरे थे ना, 12 बजे आपका प्रदर्शन हो रहा था, आपके फेसबुक पे हो रहा था, मैंने देखा आपने आज पुतला जलाया। यस, देर आर इशूज एंड इशूज जिनके ऊपर निकलना ही पड़ेगा सड़कों के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ अपना स्वास्थ्य का ख्याल, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग रखेंगे, लेकिन उन सब के लिए ही तो हमें लड़ना है, अपने मुल्क के लिए लड़ना है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मुझे ASF बिहार चैप्टर पे बहुत मान है, ASF एज सच पे मुझे मान रहता है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड था। इसलिए आप सबको एक बार फिर मैं जय हिंद कह के और इंकलाब जिंदाबाद कह के और लाल सलाम कह के इस बात को ख़त्म करती हूँ और फिनिश का बटन दबाती हूँ।